हेलो दोस्तों, मेरा नाम भागु नेताम है और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कबीरधाम जिले के एक और प्रसिद्ध स्थान चिल्फी घाटी से रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और आपको भी ऐसे ही किसी प्राकृतिक स्थानों पर जाना पसंद है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार व्लॉग बिना किसी देरी के। दोस्तों, चिल्फी घाटी रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर स्थित कबीरधाम जिले के एक प्रमुख हिल स्टेशन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चिल्फी घाटी की दूरी लगभग 160 किलोमीटर और जिला मुख्यालय कवर्धा से इसकी दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है। चिल्फी घाटी सतपुड़ा पर्वत के मैकाल श्रेणी में स्थित होने एवं सघन साल वृक्षों से चौतरफा घिरे होने के कारण यहां वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देता है। चिल्फी घाटी अपने घुमावदार सड़कें व अपनी मनभावन हरियाली के लिए विख्यात हैं, जहां आपको कई घुमावदार सड़कें देखने को मिलेगा। ठंडे मौसम के कारण यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल, धुंधले बादल और मंत्रमुग्ध कर देने वाले मौसम के शानदार दृश्य हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है, जहां उन्हें सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त का केंद्र देखने को मिलेगा, जो आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इन्हीं कारणों से चिल्फी घाटी को मैकाल की रानी भी कहा जाता है। चिल्फी घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। ऊंचाई में बसे होने के कारण यहाँ जाड़े के दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहाँ ओस की बूंदे बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चिल्फी घाटी क्षेत्र में घूमने के लिए चिल्फी के अलावा सरोजा दादर, पेड़ा घाट, भोरमदेव अभ्यारण्य और यहाँ की बैगा जनजाति संस्कृति प्रसिद्ध है। चिल्फी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जहां एक अंतर्राज्य चेक पोस्ट है। चिल्फी छत्तीसगढ़ को देश के अन्य राज्यों से भी जोड़ती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।